नमस्कार, उपज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रेशर कुकर में छोले कैसे बनाते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए छोले बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काबुली चना। चना को मैंने सारे रात के लिए भिगो के रखा था, आप चाहे तो 8-9 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। 2 बड़े साइज प्याज का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच छोले मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी साइज टमाटर का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 5 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 इंच अदरक और 6 छिले हुए लहसुन का मैंने एक साथ पेस्ट करके रखा है, आधी छोटी चम्मच शक्कर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 तेजपत्ता, 1 जावित्री, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, इलायची का ऐसे छिलका थोड़ा सा निकाल के रखा है, 2 लौंग, 1 दालचीनी और पानी। अभी हम गैस को ऑन करके प्रेशर कुकर को गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर रही हूँ। अभी इसमें हम तेजपत्ता को टुकड़े करके डालेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची, जावित्री भी डाल देंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। हाई मीडियम फ्लेम में जब तक प्याज अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है हम इसे तब तक पकाएंगे। ये फ्राई हो गया है तभी हम इसमें एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, शक्कर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और छोले मसाला पाउडर और इसको 1 मिनट तक या फिर जब तक ये मसाला थोड़ा सा पक नहीं जाता है हम इसे तब तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम में लो कर रही हूँ, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अगर आप बिना प्याज लहसुन के ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, प्रोसेस सेम ही है। बस तेल गर्म होने के बाद 2 सूखा लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा डालना ना भूलें, बाकी सब एक ही है। 1 मिनट हो गया है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 1-1.5 मिनट के लिए इसको सौते कर लें। अभी हम इसमें छोले को डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह 2-3 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है तो अभी मीडियम फ्लेम में हम इसे 6 से 7 सीटी तक पकाएंगे। 7 सीटी हो गया है तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। एक बार चेक कर लेते हैं कभी चना अच्छे से पका है कि नहीं। कलर तो इसका बहुत ही अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर चेक करने के बाद आपको लगता है कि ये चना अच्छे से नहीं पका है तो आप 2-3 सीटी और लगाइए कुकर का ढक्कन बंद करके। आप चाहे तो इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अभी एक सर्विंग बोल पे निकाल लेंगे। छोले को मैंने एक सर्विंग बोल पे निकाल लिया है। आप ये रेसिपी घर पर बनाइए और रोटी या पराठा या फिर पूरी के साथ सर्व कीजिए और वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।